नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पुरंदर की संधि के विषय में। हालांकि मैंने अपने चैनल पर छत्रपति शिवाजी महाराज और पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य के ऊपर डिटेल में वीडियो बना रखा है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि पुरंदर की संधि को एक बार एक अलग वीडियो में आप बताइए। तो ये उन कुछ खास लोगों के लिए है। अगर आपको भी ये ज़रूरत है तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, पुरंदर की संधि। देखिए, जो पुरंदर की संधि है ना, ये छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों की तरफ से मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य हुआ था। पुरंदर की संधि काफी इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सीधा का सीधा ना संधि की जो शर्तें हैं वो दे देता है और बोलता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो कब हुआ था संधि, किन परिस्थितियों में हुआ था, उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, छत्रपति शिवाजी महाराज उन्होंने क्या किया, जब अपना शुरू किया अपने स्वराज्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जब उन्होंने अपना काम शुरू किया तो उन्होंने दक्कन में जो भी राज्य थे, दक्कन में उस टाइम पे बीजापुर था, गोलकुंडा था, इसके अलावा मुगल बादशाह औरंगजेब वो भी दक्षिण में अपना पैठ जमाने में लगा हुआ था। दक्षिण के राज्यों को वो जीतना चाहता था। तो छत्रपति शिवाजी महाराज ने इन्हीं शासकों के राज्यों पर अटैक करना शुरू किया और उनके जो भी किले थे, जो भी क्षेत्र थे, उन पर अधिकार करना शुरू कर दिया। तो ये जो राज्य थे, बीजापुर हो या मुगल हो, ये छत्रपति शिवाजी महाराज से बहुत ज़्यादा परेशान थे और इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध कार्यवाही भी की थी। जो बीजापुर का सुल्तान था उसने अफजल खां को भेजा था छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध, लेकिन अफजल खां छत्रपति शिवाजी महाराज को कुछ करता मारता, उससे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने ही अफजल खां को मार दिया। तो ये सब चीज़ें ना मैंने अपना जो मराठा साम्राज्य है उसमें डिटेल में बताया हुआ है, आप लोग उसको जरूर देखिएगा। इसके बाद बात करें मुगल, तो मुगल बादशाह औरंगजेब उसने भी ना छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध पहले तो अपने मामा को भेजा, शाइस्ता खां को, लेकिन जो शाइस्ता खां है वो छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने टिक नहीं पाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज शाइस्ता खां को दक्कन से खदेड़ देते हैं, उसको भागना पड़ता है अपनी जान बचा करके। इसके बाद औरंगजेब बड़ा चिंतित होता है कि क्या किया जाए, कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने सामने झुकाया जाए। तो अब जो है औरंगजेब वो एक ऐसे आदमी को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध लगाता है जो मुगलों का बहुत ज्यादा वफादार है और वो व्यक्ति जो है ना बहुत ज्यादा अनुभवी है, कुशल राजनीतिज्ञ है और व्यवहार कुशल बहुत ज़्यादा है। वो जो है ना बातों से ही सामने वाले को अपने पक्ष में कर लेने में माहिर है, काफ़ी कूटनीतिज्ञ वाला आदमी था। कौन था ये? राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह। तो ये जो है ना आमेर का राजा था। देखो, आमेर वही आमेर जहाँ से वो राजा भारमल थे, भगवान दास थे, राजा मानसिंह थे, तो और वहीं से हरकाबाई थी जो अकबर के समय ना, तो वहीं का था मिर्जा राजा जयसिंह, आमेर का राजा था। तो ये औरंगजेब के टाइम पर था, औरंगजेब का कट्टर समर्थक था ये। तो औरंगजेब जो है मिर्जा राजा जयसिंह को छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध दक्षिण में भेजता है और मिर्जा राजा जयसिंह ये औरंगजेब को वादा भी करता है कि मैं छत्रपति शिवाजी को आपके सामने झुकाऊंगा या उसको पकड़ूंगा या जैसा भी है उसको जो है समाप्त करूंगा, पकड़ूंगा जो भी है। तो ये वचन देता है और इसको एक बड़ी सेना दी जाती है मुगलों की तरफ से, औरंगजेब की तरफ से, और ये दक्षिण में आता है, जो भी परिस्थितियां हैं उसका अवलोकन करता है, उसके बाद प्लान बनाना शुरू करता है कि मतलब किस तरह से किया जाएगा। तो ये क्या करता है, सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज के जो छोटे छोटे किले होते हैं, छोटी छोटी जो चौकियां होती हैं, उन पर आक्रमण करके उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर देता है। इसके अलावा जो भी मराठे, दक्षिण का जो भी व्यक्ति बिकने को तैयार है उसको अपनी तरफ कर लेता है, पैसा वगैरह दे करके, मतलब कि साम दाम दंड की नीति ये अपनाता है मिर्जा राजा जयसिंह। तो इस समय ना छत्रपति शिवाजी महाराज पुरंदर के किले में थे, यहां जो मैंने लिखा है ना पुरंदर, तो पुरंदर के किले में थे छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके प्रमुख मराठा सरदार। तो राजा जयसिंह पुरंदर के आसपास के किलों को भी जीतना शुरू कर देता है, जो भी छोटे छोटे किले हैं, वज्रगढ़ का किला भी जीत लिया जाता है, उसके अलावा और भी बहुत सारे किलों को जीत लिया जाता है। अब देखिए,
मिर्जा राजा जयसिंह ये पहुंच जाता है पुरंदर। लगभग ये अप्रैल 1665 में पुरंदर पहुंचता है, पुरंदर को घेर लेता है। कब? अप्रैल 1665 में पुरंदर को घेर लेता है। पुरंदर के किले के अंदर कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, उनके दूसरे मराठा साथी हैं और उन मराठा सैनिकों के परिवार वाले भी वहां पर होते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज लगभग 2-2.5 महीने तक मिर्जा राजा जयसिंह को किले के अंदर प्रवेश करने से रोके रखते हैं, लेकिन बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज को अनुभव होता है कि हमारी जो सैनिक शक्ति है वो इस समय मिर्जा राजा जयसिंह की तुलना में काफी कम है। हालांकि जो मराठे थे ना वो काफी वीर होते थे, लेकिन छापामार युद्ध नीति में उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक तरह से आमने सामने वाली लड़ाई थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे मराठे थे वो संख्या में थोड़े से कम थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर आकलन करते हैं, हिसाब लगाते हैं कि अगर हम लोग मुगलों के साथ लड़ते हैं तो क्या हो सकता है, क्या हम लोग जीत सकते हैं? तो उनको कोई भी संभावना नजर नहीं आती है कि मराठे राजा जयसिंह को हरा सके, जीत सके। छत्रपति शिवाजी महाराज को डर लगता है कि अगर हम लोग किला का जो घेरा है नहीं तोड़ते हैं, मतलब कि राजा जयसिंह से युद्ध करते हैं और मान लो कि हम लोग हार जाते हैं, हम लोग मरने को नहीं डरते हैं, लेकिन अगर मान लो कि हार जाते हैं तो ऐसी स्थिति में मुगलों का किले पर अधिकार होगा और किले में जो है कई सारे मराठा स्त्रियां हैं, बच्चे हैं, कई सारे बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग हैं, मतलब कि मराठा सैनिकों के परिवार वाले भी हैं। तो अगर मुगलों का किले पर अधिकार हो जाता है तो वो लोग किले में कत्लेआम मचा देंगे, मारकाट मचा देंगे, बर्बर तरीके से लोगों को मारा जाएगा। मुगल ऐसा पहले भी कर चुके थे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को यह डर लगता है और वो जिस लक्ष्य को लेकर के चल रहे थे, स्वराज की स्थापना करना उनका लक्ष्य था और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके प्रमुख मराठा सरदारों का जीवित रहना भी आवश्यक था। तो ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज क्या करते हैं, यहां पर कूटनीति का सहारा लेते हैं कि जो राजा जयसिंह हैं उससे कुछ संधि कर लेते हैं, कोई भी संधि कर लेते हैं, फिलहाल के लिए हम उनके सामने झुक जाते हैं। उससे क्या होगा, हमको थोड़ा सा समय मिल जाएगा, समय मिलेगा तो हम जो है उस समय का सदुपयोग करके अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे और उसके बाद फिर मुगलों के ऊपर अटैक करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज यहाँ पर संधि मतलब कि समझौता करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अप्रैल 1665 में घेरा शुरू हुआ था और जून 1665 में लगभग अप्रैल मई जून लगभग 2.5 महीना बाद, 2-2.5 महीना बाद, तो जून 1665 में संधि की बातें शुरू होती है और 22 जून डेट लिख देता हूं मैं, 22 जून 1665 को मिर्जा राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की जाती है। इस संधि में ना छत्रपति शिवाजी महाराज मिर्जा राजा जयसिंह अर्थात मुगलों की सारी बातों को स्वीकार कर लेते हैं। उनके सामने कोई भी चारा नहीं होता है क्योंकि उनको समय चाहिए था और वो कूटनीति से काम ले रहे थे, उनको समय चाहिए था, वो फिर बाद में अपनी शक्ति को बढ़ा लेते हैं। तो देखिए अब बात करते हैं संधि की शर्तों की, क्या थी संधि की शर्तें, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। पूरा ना संधि की शर्तें दे दी जाएगी, उल्टा पुल्टा दे दिया जाएगा, बोलेगा कि कौन सा सही है कौन सा गलत है इस टाइप से। तो पहली शर्त क्या थी कि मिर्जा राजा जयसिंह ने बोला कि छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो किले हैं उनमें से 23 किले, देखो उस टाइम पे ना दक्षिण में किलों का बड़ा महत्व था, जिनके पास बहुत ज्यादा किले हैं, बड़े शक्तिशाली वाले किले हैं तो उसका राज चलेगा। तो 23 किले जो छत्रपति शिवाजी महाराज के पास थे, 23 किले जिनकी आय 4 लाख हुण उस समय चलता था दक्षिण में, 4 लाख हुण प्रतिवर्ष थी, 23 किले जिनकी आय 4 लाख हुण प्रतिवर्ष थी, ये सभी किले मुगलों को देना पड़ा। किसको? छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है भैया तुम जो है ये 23 किले ले लो, ठीक है ले लो। तो ये किसको मिल गया? मुगलों को मिल गया। इसके बाद दूसरा शर्त बोला गया कि ठीक है तुम जो है हमारे सामने झुक रहे हो, मिर्जा राजा जयसिंह ने बोला, तो तुम्हारे पास जो है ना तुम जो है 12 किले रख सकते हो, 12 किले। अब ये जो 12 किले हैं ना ऐसे किले हैं इनसे 1 लाख हुण प्रतिवर्ष आय होती है। देखिए जो अधिक आमदनी वाले जो किले थे उसको मुगलों ने ले लिया और कम आमदनी वाले किले छत्रपति शिवाजी महाराज के पास रहने दिया गया। तो ये था प्रथम 2 शर्तें। इसके बाद जो छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे थे ना संभाजी महाराज,
देखिए मुगलों की तरफ से मतलब कि मिर्जा राजा जयसिंह तीसरा शर्त ये रखता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे जिनका नाम था संभाजी महाराज को मुगल दरबार में भेजेंगे, मतलब कि मुगलों के पास भेजेंगे संभाजी महाराज को। और इस शर्त को छत्रपति शिवाजी महाराज स्वीकार कर लेते हैं। बदले में संभाजी महाराज को मुगलों की तरफ से 5,000 का मनसब दिया जाता है। 5,000 का मनसब दिया जाता है। मनसबदारी प्रथा हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में, अकबर ने इसको शुरू किया था। तो 5,000 का मनसब दिया जाता है किसको? संभाजी महाराज को। इसके साथ ही साथ ये वायदा किया जाता है कि संभाजी महाराज को उचित मान सम्मान दिया जाएगा, ये भी वचन दिया जाता है। अब यहाँ पर ये बात भी आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो संभाजी महाराज हैं जिनको 5,000 का मनसब दिया जा रहा है, ये इस समय काफ़ी छोटे थे, लगभग 7-8 साल के रहे होंगे या उससे भी कम आयु रही होगी उनकी, 6-7 साल या 8 साल कुछ रही होगी संभाजी महाराज की। तो ये जो है मुगलों ने बोला, तो संभाजी महाराज ने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं अपने बेटे को तुम्हारे दरबार में भेजूंगा, तो तैयार हो गए। अब यहां पर ना जो मुगल मतलब कि मिर्जा राजा जयसिंह का ये प्लान रहा होगा कि अगर संभाजी महाराज मुगलों के पास रहेंगे तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज है वो मुगलों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर सकेगा। अगर वो कुछ करेगा छत्रपति शिवाजी महाराज, तो मुगल जो है उसके बेटे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये प्लान रहा होगा कि उसके बेटे को हम अपने पास रख लेते हैं और वो जो है फिर कुछ नहीं करेगा, इस टाइप से प्लान उनका रहा होगा। चौथा चीज बोला गया कि जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो दक्षिण में बीजापुर, देखो जो बीजापुर है ना ये किसी समय में बहमनी साम्राज्य का अंग हुआ करता था। बहमनी साम्राज्य से टूट गए बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बरार। तो बीजापुर ये भी काफ़ी शक्तिशाली था। तो बीजापुर देखिए जो दक्षिण के जो राज्य थे ना बीजापुर, गोलकुंडा, इन सबको औरंगजेब क्या उसके जो पिता थे शाहजहां, जहांगीर, अकबर, ये सब जो है ना पूरा का पूरा दक्षिण जीतना चाहते थे। तो जो औरंगजेब है वो बीजापुर के पीछे पड़ा हुआ था। तो मिर्जा राजा जयसिंह चौथी शर्त रखता है कि जब मुगल सेना बीजापुर के विरुद्ध अभियान पर जाएगी तब छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगलों का साथ देना होगा, मुगलों की सहायता करनी होगी। इस शर्त को भी छत्रपति शिवाजी महाराज स्वीकार कर लेते, ठीक है भैया मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और होता भी ऐसा है जब मिर्जा राजा जयसिंह बीजापुर में अटैक करने के लिए जाते हैं ना तब छत्रपति शिवाजी महाराज वहां सहायता करते हैं। यहीं पर एक बात और जुड़ी गई कि दक्कन में कोकण और बालाघाट का जो क्षेत्र है ना ये छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया जाता है, मतलब बोला जाता है कि हम जो है तुमको ये जो कोकण है और बालाघाट है ये तुमको देंगे क्योंकि तुम हमारी मदद करोगे बीजापुर के खिलाफ। तो जब मदद करोगे बीजापुर के खिलाफ तो हम तुमको कोकण और बालाघाट का क्षेत्र देंगे, लेकिन ये इसके बदले तुमको हमें 40,00,000 हूण देने पड़ेंगे। देखो मदद भी मांग रहे हैं और क्षेत्र भी दे रहे हैं और फिर उसका पैसा भी ले रहे हैं। तो देखो छत्रपति शिवाजी महाराज को लगभग पूरी तरह से झुकना पड़ा था। इसके बाद जो मिर्जा राजा जयसिंह था उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को मुगल दरबार में अर्थात दिल्ली में औरंगजेब के पास चलने के लिए मना लिया। बोलता है कि एक बार चलो तो सही, देखो मिलो तो सही, बड़ा अच्छा आदमी है तुम उसे अच्छे से मिलेगा। तो छत्रपति शिवाजी महाराज को भी लगता है चलो देख लेते हैं आखिर क्या चीज़ है ये औरंगजेब। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बेटे संभाजी महाराज को लेकर के राजा जयसिंह के साथ दिल्ली जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखो संभाजी महाराज को मुगल दरबार में भेजना उन्होंने स्वीकार किया था, 5,000 का मनसब वनसब भी ये तय हुआ था। तो दोनों बाप बेटे मिर्जा राजा जयसिंह के साथ दिल्ली जाते हैं और वहां पर ना जो औरंगजेब होता है छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ उचित व्यवहार नहीं करता है, अपमान करता है और छत्रपति शिवाजी महाराज इससे क्रोधित हो जाते हैं। फिर बाद में उनको कैद कर लिया जाता है। हालांकि छत्रपति शिवाजी महाराज कैद से मुक्त हो जाते हैं, वापस दक्कन आ जाते हैं। तो ये थी पुरंदर की संधि। इसके आगे वाली घटनाएं अगर आप लोगों को जाननी है ना तो मराठा साम्राज्य वाला वीडियो देखिएगा। हालांकि मैंने मराठा साम्राज्य में भी ये पुरंदर की संधि बताई थी लेकिन रिक्वेस्ट आया था इस कारण से मैं इसको अलग से बता रहा हूं। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक समझ में आया होगा। कहीं भी कोई भी डाउट होता है ना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।